नलिनी पांडे, खबरों की शुरुआत करेंगे। मेरठ में बड़ा हादसा हो गया, 5 कांवड़ियों की मौत की खबर मिल रही है। हाई टेंशन लाइन के चपेट में आने से हादसा हुआ है और 10 कांवड़िए गंभीर रूप से घायल भी हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। बिजली विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगा है। गुस्साए कांवड़ियों ने जाम लगाकर जबरदस्त हंगामा किया है। कई थानों के फोर्स मौके पर मौजूद। थाना भावनपुर क्षेत्र के राली चौहान इलाके का मामला है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। हाई टेंशन लाइन के चपेट में आने से हादसा हो गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त न्यूज 18 पर आप देख रहे हैं। 5 कांवड़ियों की मौत हो गई है। जिसमें 16 लोगों के होने की बात बताई गई है, जिसमें करंट लगने से लोग झुलस गए हैं। सभी अलग अलग अस्पताल में गए हैं। अभी पता किया जा रहा है कि कहाँ पे कितने लोग भर्ती हुए हैं और उनकी क्या स्थिति है। अभी कुछ लोगों को पता चला है कि जिनका इलाज चल रहा है और जो कैजुअल्टी बताई जा रही है यहाँ पर, उनको उसके बारे में भी कंफर्म किया जा रहा है कि उनकी क्या स्थिति है और कितने लोग घायल हैं, कितने लोग। उनको तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में 10 लोगों को भर्ती करवाया गया, जिनमें से 5 लोगों की मृत्यु हुई है। 2 लोग हमारे अंडर ऑब्जर्वेशन है जिनका इलाज चल रहा है और 3 लोग अभी सही सलामत हैं। सभी हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की टीम, वरिष्ठ अधिकारी तैनात किए गए हैं और लगातार उनका पर्यवेक्षण किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि सही तरीके से सभी का इलाज हो। निखिल अग्रवाल हमारे सभी तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निखिल, हजारों के तादाद में फोर्स लगाई गई थी ताकि किसी प्रकार की दिक्कत कांवड़ियों को ना हो सके, क्योंकि हजारों लाखों कांवड़ी आते हैं जल चढ़ाने के लिए। बावजूद इसके क्या ये चूक माना जाए, क्या माना जाए? अभी फिलहाल जो हादसा हुआ है उसमें कितने कांवड़ियों की कैजुअलिटी की खबर है? देखिए, बड़ा हादसा हुआ है और मेरठ में 5 कांवड़ियों की मौत हो गई है और 10 से ज्यादा गंभीर है, जिनका इलाज अभी भी अस्पताल में चल रहा है। लेकिन बड़ी लापरवाही का मामला है, क्योंकि गांव में जैसे ही कांवड़ एंटर हुई उसके पहले ही शटडाउन लिया जा गया था, लेकिन लापरवाही हुई इसमें और शटडाउन नहीं लिया गया। वहीं उसमें हाईटेंशन लाइन में करंट दौड़ रहा था, जैसे ही कांवड़ हाईटेंशन लाइन से टकराई और उसमें हादसा हो गया है। वहीं 5 लोगों की झुलस कर मौत हो गई है। आक्रोशित ग्रामीणों ने और कांवड़ियों ने वहां मौके पर जाम लगाकर जमकर हंगामा किया। कई थानों का फोर्स मौके पर है, लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश जारी है, लेकिन गांव में कोहराम मचा हुआ है। 5 युवाओं की मौत हुई है, जिसको लेकर अभी भी लोगों के मन में आक्रोश है और बिजली विभाग के लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग वहां लगातार जारी है। अभी उन्हें आश्वासन दिया गया है कि जांच की जाएगी और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई भी होगी। लेकिन बड़ा हादसा हुआ है, जांच तो होगी, उसके बाद कार्रवाई की बात तो कही जाती है जब हादसा हो जाता है। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि क्या इससे पहले शिकायतें की गई थी उस हाईटेंशन लाइन के बारे में, क्योंकि लोग काफी आक्रोशित हैं। उनका कहना है कि इससे पहले भी कई बार हम शिकायतें कर चुके हैं। देखिए, यहाँ हाईटेंशन लाइन गांव के ऊपर से जा रही है और चूंकि 24 फुट ऊंची कांवड़ थी, उसको लेकर हाईटेंशन लाइन का शटडाउन लिया जाना था। इसको लेकर पहले ही हिदायत भी दी गई थी कि कांवड़ एंटर की जाए होगी और उसके पहले हाईटेंशन लाइन को बंद किया जाए, लेकिन यही कोई चूक हुई है। लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। अभी फिलहाल मौके पर जो लोग हैं, जो उनका आक्रोश है, उनको शांत करने की कोशिश जारी है। वहीं जो लोग घायल हैं उनका इलाज कराने के लिए प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रहा है और उनको समझाने बुझाने की कोशिशें जारी हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए निखिल।